सुबह के हो गए 3:30 और हम लोग निकल रहे अभी अंदमान। मेनलैंड इंडिया से 1200 किलोमीटर दूर अंडमान के लिए हमने ली कनेक्टिंग फ्लाइट वाया बैंगलोर। अंडमान और निकोबार में टोटल 572 आइलैंड है जिसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। फ्लाइट में विंडो सीट लेना ना भूलना, क्योंकि अंडमान पहुंचते पहुंचते आपको दिखेगा दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल व्यू। पोर्ट ब्लेयर पहुंचते ही हम निकल पड़े नेशनल मेमोरियल सेलुलर जेल को देखने। यहां भारत के महान देशभक्त स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने अपने जीवन के 11 साल काला पानी की सजा में बिताए थे। सफर के दूसरे दिन हम रॉस और नॉर्थ बे आइलैंड घूमने निकल पड़े। रॉस आइलैंड को अब ऑफिशियली नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे बंगले, चर्च, बॉलरूम और कब्रिस्तान है जो अभी खंडहर बन चुके हैं। और ये हम लोग आए हैं रॉस आइलैंड और ये है लाइट हाउस यहाँ का। एंड यू कैन सी द ब्यूटिफुल आइलैंड बिहाइंड मी एंड हिज चर्चिल। नेचुरल प्रीडेटर्स ना होने की वजह से यहाँ हमें बहुत सारे स्पॉटेड डियर देखने को मिलते हैं। नॉर्थ बे आइलैंड में हमने सभी बच्चों के साथ स्नॉर्कलिंग किया। अगर आप स्कूबा डाइविंग, पैरासेलिंग या बाकी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो उसे हैवलॉक और नील आइलैंड के लिए बचा के रखें।
अभी मैं जा रहा हूँ जेट स्की करने अंडमान। रोमिंग टाइगर्स के अंडमान ट्रिप का यह फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और हैवलॉक और नील आइलैंड के हमारे सेकंड पार्ट को देखना ना भूलें।